सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेमंत फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप किस तरह से वजीरेक्स मोबाइल एप्लीकेशन में किसी भी कॉइन, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को किसी दूसरे एक्सचेंज में आप किस तरह से सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आप स्टेलम या फिर XLM जो आपका कॉइन है उसको अगर आपको वजीरेक्स से किसी अदर एक्सचेंज में आपको सेंड करना है तो आप किस तरह से उसको ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो के नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वजीरेक्स मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। आपने अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया है और आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको होम क्विक बाइक का ऑप्शन मिल जाता है, एक्सचेंज का मिल जाता है, ऑर्डर का मिल जाता है और फंड का। तो हमको फंड पर यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पासपोर्ट फिल करने के लिए आ रहा है तो मैं पासपोर्ट अपना फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी कॉइन मैंने यहाँ पर बाई किया हुआ तो वो सारा का लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ XLM, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टीलर XLM मेरे पास 143 कॉइन्स हैं। ठीक है, इस 143 कॉइन्स में से यहाँ पर 5 या 10 कॉइन्स में यहाँ पर जो स्टीलर का जो वेबसाइट है उसमें मैं सेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, स्टीलर का जो एक्सचेंज है उस पर सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं स्टीलर पर XLM पर क्लिक करूँगा। ठीक है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला आपका डिपॉजिट का, दूसरा आपका विड्रॉल का। ठीक है, तो मैं यहाँ से विड्रॉल करना चाहता हूँ और यहाँ पर जो स्टीलर की वेबसाइट है उस पर मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ, स्टीलर का जो एक्सचेंज है उस पर डिपॉजिट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से विड्रॉल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर नीचे विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है, मैं विड्रॉल पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेस्टिनेशन एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आपको जहाँ पर भी इसको फिल करना है, मतलब कि जहाँ पर भी इसको सेंड करना है तो उसका एक एड्रेस होता है, तो यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा। आप जैसे कि अगर आपका नहीं है तो यहाँ पर QR कोड होता है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिएगा तो QR कोड यहाँ पर आप इसको स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं उसका जो वेबसाइट है वो मैं अपने मोबाइल लैपटॉप पर ओपन किए हूँ तो मेरे पास QR कोड यहाँ पर मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर QR कोड फिल कर दूंगा। फिर यहाँ पर मेमो फिल करना है, फिर XLM अमाउंट, तो यहाँ पर जो देख सकते हैं कि 143.2 XLM अमाउंट है, तो मैं यहाँ पर जितना भी विड्रॉल करना चाहता हूँ उतना विड्रॉल कर सकता हूँ। और विड्रॉल फी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.05 यहाँ पर विड्रॉल फी लगेगी। ओके, फिर फाइनल अमाउंट यहाँ पर फिल करना है और फिर यहाँ पर आपको आ जाएगा रिमार्क में, आपको कुछ फिल करना फिल कर सकते हैं और प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर QR कोड दिया हुआ है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। मैंने क्लिक किया तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वेबसाइट ओपन किया हुआ है और इसने QR कोड को ले लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली इस फिल कर दिया क्योंकि इसने QR कोड को स्कैन किया। अब यहाँ पर मेमो, तो यहाँ पर हम लोग मेमो फिल कर देते हैं, जितना भी जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 XLM। ठीक है, अब XLM अमाउंट कितना यहाँ पर ट्रांसफर करना है तो मुझे 5 करना है और तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 6 कर देता हूँ। ठीक है, 6 कर दिया और यहाँ पर भी मैं 6 कर देता हूँ। ठीक है, जितना भी आप ट्रांसफर करना चाहते हो उतना कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने XLM अमाउंट 6 कर दिया। यहाँ पर आपका फीस लग जाएगा 0.05 XLM, तो यहाँ पर जो फाइनल अमाउंट हो जाएगा जो आपका डेस्टिनेशन पर पहुँचेगा वो हो जाएगा 5.95। तो रिमार्क पर यहाँ पर आपको लिखना है, तो कुछ भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखो, यहाँ पर कुछ भी रिमार्क में लिखना है तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आपने फिल कर दिया तो नीचे आप एक बार चेक कर लीजिएगा, चेक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर स्लाइड टू कन्फर्म पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो मैंने कन्फर्म, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर लेके आ रहा है कि अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 25। ठीक है, मतलब जो आपका अमाउंट है वो 25 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सेंड करेंगे 25 क्योंकि यहाँ पर आपको वजीरेक्स में आपको कम से कम 25 सेंड करना होगा XLM। ठीक है, तो हम XLM पर फिर से क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर विड्रॉल पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमको इसे यहाँ से विड्रॉ करना है। अब यहाँ पर हमको डेस्टिनेशन एड्रेस फिल कर देना है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये XLM दिया हुआ है, XLM का एक्सचेंज है, इस पर हमको ट्रांसफ़र करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी, यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा ये एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस में हमको सेंड करना है, तो यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, इस पर मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पर जो डेस्टिनेशन दिया हुआ है इस पर मैं पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेमो, तो यहाँ पर मैं मेमो फिल कर देता हूँ, कुछ भी यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, जैसे कि 25 XLM लिख देते हैं। ठीक है, XLM और यहाँ पर XLM अमाउंट आप कितना सेंड करना चाहते हैं, तो मैं लिख देता हूँ 25 सेंड करना चाहता हूँ और यहाँ पर जो आपकी फ़ीस लगेगी वो 0.05 यहाँ पर आपकी फ़ीस लगेगी। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल अमाउंट जाएगा
वो हमारा जाएगा 24.95, क्योंकि 0.05 एक्सएलएम फीस हमारी कट जाएगी, तो 25 में से 0.05 भी जाएगा, तो 24.95 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा रिमार्क लिखना है, तो रिमार्क लिख देते हैं। तो यहाँ पर रिमार्क पे आप कुछ भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा एक बार एड्रेस। तो यहाँ पर देख लिया हमने, नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्लाइड टू कंफर्म पर क्लिक कर देना है। एक बार एड्रेस जो यहाँ पर दिया हुआ, इस एड्रेस को आप चेक जरूर, स्लाइड टू कंफर्म पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है एंटर द ओटीपी टू सेंड योर मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, तो हमको यहाँ पर फिलिप, तो यहाँ पर हमको ओटीपी आ चुका है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देंगे। ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रूव ईमेल सेंड। ठीक है, अब हमको ईमेल आया होगा, और ईमेल पर हमको प्लीज़ चेक योर ईमेल एंड कंफर्म योर विड्रॉल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो हमको ईमेल आया होगा, और यहाँ पर हम लोग ओके पर क्लिक कर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर आया हुआ है विड्रॉल रिक्वेस्ट 25 XLM का। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर हमको अप्रूव करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ अप्रूव दिस अप्रूवल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विड्रॉल वेरिफिकेशन हो रहा है और सक्सेसफुली कम्प्लीटेड। तो यहाँ पर हमारा जो विड्रॉल है वो सक्सेसफुली कम्प्लीटेड लिख के आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो विड्रॉल है वो हो चुका है 24.95 XLM का। और जो हमारा डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन में हम चेक कर लेते हैं कि हमारा वहाँ पर पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, 5 या 10 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेलर है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि XLM यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा डिपॉजिट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप वजीरेक्स से कोई भी क्वाइन को अगर एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली क्वेश्चन आज के लिए मिलता है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।